देश में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के 15 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर फैलने लगा है। इसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां बीते हफ्तों में एक मरीजों की संख्या काफी कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर यहां उछाल देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने लोगों से लापरवाही न बरतने को कहा है। CRSI इंस्टीट्यूट ऑफ इनोनिम्स ऑफ द इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निर्देश अनुसार अग्रवाल ने कहा, हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वायरस को ज्यादा संक्रमण प्रकार के कारण मामले बढ़ रहे हैं या लोगों द्वारा एहतियात नहीं बरतने के कारण। यह स्पष्ट नहीं है कि महामारी की नई लहर चल रही है या यह पिछले लोगों में जो यह संक्रमण फैला था वही फैल रहा है या संक्रमण नया रूप ले रहा है, लेकिन कुछ चीजें जरूरी हो रही हैं। हमें सतर्क रहना होगा। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 24,882 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में मात्र 10 दिन के अंदर रोजाना मिलने वाले नए केस दोगुने हो गए हैं। हरियाणा यूपी समेत सभी 15 राज्यों में केस नीचे आने लगे थे, लेकिन इनमें फिर से बढ़ोतरी हो गई है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, गोवा और चंडीगढ़, इन सारे राज्यों में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम आपको बता दें कि क्या हमें सतर्कता बरतनी होगी। फोकस टेस्टिंग अभियान शुरू 27 मार्च से तक चलेगा लखनऊ। कोरोना के बढ़ते मामले देख यूपी सरकार ने फिर से पूरे प्रदेश में अलग से फोकस सैंपलिंग अभियान शुरू कर दिया है। अभियान शनिवार से शुरू हो चुका है जो 27 मार्च तक चलेगा। एक दिन में रिकॉर्ड 20.53 लाख लोगों का टीकाकरण। देश में टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 20 लाख से अधिक खुराक लोगों को दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में एक दिन में टीके की सर्वाधिक खुराक दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 7 से 13 मार्च के बीच 83,772 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या है। हम आपको बता दें कि पंजाब में फरवरी से मार्च तक 5,185 लोगों की संख्या संक्रमित बढ़ गई है। गुजरात में 3,219, हरियाणा में 1,481, दिल्ली में 1,645, उत्तर प्रदेश में 684 मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार फिर से लोगों को सचेत रहने को कहा है और वे लगातार सलाह दे रहे हैं कि लापरवाही न बरतें और हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। हम आपको बता दें कि केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के 15 से ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भी कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है और हर किसी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें से कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ बीते कुछ हफ्ते में मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर यह संख्या उछाल ले ली है। केंद्र सरकार ने लोगों को लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निर्देशक अनुराग अग्रवाल ने हमें यह समझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं कि यह जो संक्रमण है यह पिछले तरीके से जो संक्रमण हो रहे थे वही है या यह संक्रमण कुछ नया रूप ले रहा है। यह लगातार जानने की कोशिश अनुराग अग्रवाल कर रहे हैं जो कि बायोलॉजी के निर्देशक बताए जा रहे हैं। यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह वायरस नया रूप ले रहा है या वही फिर से दोहरा रहा है। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 24,882 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में मात्र 10 दिन के अंदर रोजाना मिलने वाले नए केस दोगुने हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में यह मामला देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा फैलाव कोरोना का महाराष्ट्र में ही देखा जा रहा है। हरियाणा यूपी समेत सभी 15 राज्यों में केस नीचे आने लगे थे, लेकिन फिर से बढ़ने लगे हैं। जी दोस्तों आप देख रहे हैं जहां केस कम हो रहे थे वहां फिर से तेजी हो गई है कोरोना के मामले में बढ़ने में।
दोस्तों हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सारे राज्यों में संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। जय हिंद।